हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन और आलू से अच्छा सा नाश्ता, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। सबसे पहले हम आलू को क्रश कर लेंगे। ये कद्दूकस थोड़ा पतला है, इसलिए हम मोटे वाले से क्रश करेंगे। और इसमें हम मसाले डाल देते हैं। आप इसमें नमक डाल दें, हल्दी डाल दें, मिर्चा का पाउडर डाल दें, चाहे तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा आप अजवाइन अगर खाएं तो अजवाइन भी डाल दें। उसके बाद इन सब का हम ऊपर से हम बेसन डालेंगे। चाहे तो आप बेसन का घोल बना के उसके बाद इसमें आलू डाल दें, नहीं तो आप चटपटा बनाने के लिए इसमें पहले आलू डाल दें, उसके बाद बेसन डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मैश करें। एक साथ पानी ना डालें ज़्यादा। काफ़ी टेस्टी नाश्ता बनता है। बच्चों या बड़ों किसी को भी अगर एक ही टाइप का नाश्ता करते करते बोर हो जाते हैं तो आप कुछ अलग हटके बनाइए, तो काफ़ी पसंद करते हैं बच्चे, और ये बड़ों को भी बहुत पसंद आया है। ये देखिए, अच्छे से हमारा घोल बन गया है। इसे हमें पतला रखना है थोड़ा सा, इसे अभी और पतला करना है। बस ये हो गया घोल हमारा तैयार। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस में। कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं और फ्लेम हाई रखेंगे। और इधर हम थाली को जो है अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं रिफाइंड आयल से। और आप चाहे तो बर्फ़ी वाला ट्रे हो तो उसमें डाल दें। अब इसको हम इसमें डाल देंगे और एक हाथ से हम लगातार इसको चलाते जाएंगे। लगातार चलाएंगे ताकि लम्स ना इसमें पड़े। और बिल्कुल इसे हम गाढ़ा कर देंगे, पका लेंगे गाढ़ा सा। आप चाहे तो हरी मिर्च कटी हुई भी डाल सकते हैं। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। आलू भी पक जाएगा साथ के साथ और बेसन भी पक जाएगा। आप देख सकते हैं घोल गाढ़ा होते जा रहा है हलवा की तरह बिल्कुल। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, काफ़ी यूनिक नाश्ता है और काफ़ी टेस्टी भी लग रहा था खाने में। ये देखिए बन के तैयार हो गया है। अभी हम थोड़ा सा और इसको जो है पका लेंगे। नीचे से हम इसे जो है निकाल देंगे कर करके। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और थाली में हम पलट लेंगे और उसके बाद हम इसे फैला लेंगे गरम गरम कलछुल से। और इसे आप ज़्यादा नहीं लेकिन 10-15 मिनट ज़रूर रखें ठंडा होने के लिए। इसे हम अच्छे से सेट कर देते हैं, एकदम बराबर फैलाना है, मोटा पतला बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद अच्छे से सेट हो जाएगा तो इसे आप अपने मन मुताबिक शेप में रेक्टेंगल, ट्रायंगल या बर्फी जो भी शेप देना हो आप उसमें इसे कट कर सकते हैं। थोड़ा अट्रैक्टिव लगे देखने में बच्चों को। आप इसे टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए अब हो गया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। हम इसे स्क्वायर शेप में ही कट करेंगे। उधर हम पैन में तेल डाल के उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि ये तेल बिल्कुल ही नहीं सोखता है। और इसमें हम आप चाहे तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप मोटी वाली राई डाल दें। उसके बाद जो है अब हम इसमें इसके जो पीसेस हैं उसको डालते जाएंगे और हाई फ्लेम पे हम थोड़ा करारा होने तक नीचे से सेक लेंगे। फिर इसे हम पलट देंगे, दोनों साइड से हम कुरकुरा सा सेक लेंगे। और इसमें हम धनिया का पत्ता डाल दे रहे हैं,
आपको आपका मन है जो डालिए ना डालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहुत। अब इसे हम फिर से जो है पलट देंगे, बहुत सावधानी से ही पलटेंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड, अब ये देख सकते हैं कितना अच्छा कुरकुरा सा बन के तैयार हो गया है और इसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं। आई होप हमारी ये रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी।